तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोम फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे पता होगा, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट डायग्राम थे, एक जो है क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करके दिखाए के लिए कि इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा उसमें मार्क्स, वो कितना मैच करता है। तो आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इधर आई बटन, इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप सिंपली प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका जो भी कुछ आंसर है, लाइक कि आप कैसे हल कर सकते हो और क्या कुछ है, थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है देख सकते हैं डिप्लोम फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में जो है सबसे पहला जो यहाँ पे चैप्टर आपका आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म में आपका डोजेज फॉर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, तो आप केवल इंट्रोडक्शन ही उसका खाली आपको याद है तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का जो है नाम ही आपका है कि इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हम क्वेश्चन लिखे डिफाइन करने के लिए, लाइक ड्रग क्या होता है, क्योंकि डोजेज फॉर्म पढ़े तो ड्रग का ही आप डोज पढ़ रहे हो, तो ड्रग आपको जानना जरूरी है। डोजेज फॉर्म पढ़े तो डोज होता क्या है एक्चुअली में, डोजेज फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आप लिख सकते हो डोजेज फॉर्म का, जो कि लिखना किस तरह से है वो भी बता दें आप लोगों को। कि देखिए, ये जो है मेरा ई बुक है, अगर आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। ये है फार्मास्यूटिक्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अनसॉल्व पेपर वगैरह भी है सब, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखना किस तरह से है उसको हम बात करते हैं। तो यहाँ बुक है, इसमें हम थोड़ा सा बात करें तो थोड़ा जूम कर देते हैं इसको देखने के लिए आप लोगों को, आई होप कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से आपको लिखना है, जो कि आपके बुक में शायद अगर किसी और राइटर का आप बुक ले होंगे, जो भी बुक है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तब पर भी आप ध्यान दीजिए कि इस तरह से लिखेंगे तो एक अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक, और भी इधर है डोजेज फॉर्म ड्रग वगैरह जो है इम्पोर्टेंट, ई बुक में टोटल आंसर लिखा हुआ है। बाकायदे अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें भी आंसर होगा, लेकिन इसमें हम शॉर्टली दिए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया हुआ है ई बुक है जो है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो ये देख सकते हैं कि तो पहला चैप्टर का हो गया आपका इतना। इस बार दूसरा चैप्टर का जो है फार्माकोपिया, यहाँ पे जो है आपका व्हाट इज फार्माकोपिया, इसके बाद यहाँ पे डिफाइन फार्माकोपिया, इसके साथ जो है एक इंडियन फार्माकोपिया का आप हिस्ट्री भी याद कर सकते हैं, यानी हिस्ट्री भी कहीं कहीं पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे आप व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया ही याद कर लेते हैं केवल आईपी, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इतना सफिशिएंट है, मतलब डिप्लोम फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी आप जो है कि यहाँ पे फार्माकोपिया से भी दो तीन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत अलग अलग नहीं, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। हाँ, एक हो सकता है कि लाइक अगर पूछ दिया व्हाट इज फार्माकोपिया और स्पेशल रेफरेंस बोल दिया कि हिस्ट्री वगैरह लिखना होगी आपको, तो कहीं ना कहीं अगर आप यूपी वगैरह से हो या फिर आपका ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया इसको, तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पूछने का कुछ चांस है। तो आप अपने से देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे समझ आए तो आप याद कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन आपका जो है व्हाट इज फार्माकोपिया और डिफाइन जो है यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया, तो ये दो चीज़ आपको याद करना जरूरी है। और इस तरह से आप रिलेट करके थोड़ा सा याद कीजिएगा, अगर आप लोग पढ़िएगा, लाइक ऐसा नहीं कि रट्टू मारिए कि लाइक हाँ आईपी या यूएसपी तो ये मेडिसिन पे कहाँ लिखी होती है, मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी नॉलेज होना चाहिए, लाइक बाकी में काम कहाँ आएगा हमको। इसके साथ यहाँ पे जो है ये कंटेनर, देखिए जो पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है कि कंटेनर क्या होता है, मतलब लाइक इसका कौन से मटेरियल से बनता है, यहाँ पे प्लास्टिक ग्लास यहाँ पे जो है इसके बारे में बात किया गया है, तो ये आपका जो है कूड बोर्ड इस तरह से बनता है। इसके बाद यहाँ पे इसका मेरिट डिमेरिट के भी बारे में भी लिखना है कि कौन कौन से हैं उसके बारे में भी लिख दीजिए, उसके साथ मेरिट डिमेरिट यहाँ पे हम अलग से दे दिए। हालांकि इस तरह से क्वेश्चन समझना है आपको, क्वेश्चन को पहले जब तक समझोगे नहीं, जब तक आंसर क्या लिखोगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो कि लाइक इसमें क्या है। मेरिट डिमेरिट भी आप याद कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं लाइक कि शीशा है तो जल्दी टूट जाएगा, अगर कोई प्लास्टिक वगैरह के बोतल में पैक है तो उसका क्या रिएक्शन वगैरह हो सकता है, तो ये जो मेरिट और डिमेरिट यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आप बोलो, यानी लाभ और हानि इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो आपका है साइज रिडक्शन को भी आपको जो है कि डिफिनेशन तो इसका याद कर लेना ही कर लेना चाहिए, तो एक हम क्वेश्चन दे दें यहाँ पर साइज रिडक्शन से। इसके बाद ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक कि एक तरह से बोल सकते हैं आएगा ही आएगा, जो आपका यहाँ पे डोजेज फॉर्म है, फार्माकोपिया है, इसके साथ यहाँ पे कंटेनर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट सब, लेकिन ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक तरह से ऐसा लगता है मुझे कि हर एग्ज़ाम में जितना भी मैं क्वेश्चन पेपर देखा हूँ फार्मास्यूटिक्स डिप्लोम फर्स्ट ईयर के आपका, ये आता ही आता है, चाहे आपका ह्यूमर मिल पूछ दे या फिर फ्लूड एनर्जी मिल या फिर बाल मिल, तो कोई भी एक मिल पूछ सकता है।
आपका ऑप्शनल में भी दे सकता है, लाइक दो ठो कोई ना कोई एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिए, इसका डायग्राम वगैरह भी आपको बनाना पड़ता है। ठीक, तो बखूबी आप जानते होंगे इसके बारे में, आप अपने बुक वगैरह में देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है जो साइज होता है ये भी पूछता है कहीं कहीं, ठीक, कि क्या क्या उसका साइज होती है, वेरीफाइन का कौन सा होता है, पाउडर का कौन सा होता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे जो है कि कैसे वर्क करता है, यहाँ पे जो साइज सेपरेशन वाला है, ठीक, तो ये वाला जो यहाँ पे ई बुक में होगा देख सकते हैं हम। ई बुक को अगर हम थोड़ा सा दिखा देना चाहें आप लोग को, तो मेट्रोलॉजी को हम नहीं दिए हैं मेट्रोलॉजी से, हालांकि ये कहीं कहीं पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे जो था यहाँ पे साइज रिडक्शन के बारे में। ये देखिए जो ह्यूमर मिल बाल मिल के बारे में पूछ रहे थे, तो ये है लाइक कि ये आपका डायग्राम के बारे में, ये तो आपको इन कोई आप एक डायग्राम यानी ह्यूमर मिल या बाल मिल या फूड एनर्जी मिल का डायग्राम भी आपको बनाना है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो अलग हो गया, ये देख सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये आपके लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, एक तरह से याद कर लीजिएगा जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो पूछते हैं यहाँ पे ये वाला। इसके बाद ये जो है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसके में भी एक डायग्राम आप लोग को है, ये वाला देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा एग्जाम में हम देखे हैं मॉडल पेपर में कि ये आता है आपका, यहाँ पे हम जो है ई बुक में वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे लगाए हैं, बहुत से एग्जाम में हम देखे हैं ऐसा कि ये आता है, तो आप इसको भी केयर कर लीजिएगा। तो जो है कि आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, जो यहाँ पे 6 चैप्टर हो गया टोटल अगर बात करें इसको, तो इसको अगर हम किसी किसी को, बहुत से लोग कहते हैं हिंदी में भी दिखा दिया कीजिए, क्योंकि यूपी वाले कुछ ऐसे हैं लाइक भाई यूपी वाले ठुमका लगाओ, तो यूपी वाले का कुछ है जो कि हिंदी में भी समझना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा हिंदी में भी कन्वर्ट करके दिखा देना चाहेंगे। ये देख सकते हैं हम आगे गूगल ट्रांसलेट में, यही हम ज़्यादातर यूज करते हैं, आप भी यही यूज कीजिए, बहुत अच्छा। अगर आपके पास सिस्टम हो रहे तो मोबाइल से भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, लाइक जिस तरह से आपका यूपी में क्वेश्चन पेपर आता है कि लाइक कि ऊपर में तो टोटल इंग्लिश दे दिया, नीचे में हिंदी, तो ये देख सकते हैं लाइक खुराक दवा, मतलब थोड़ा ओल्ड लगता है यार, जैसा वो बैर लोग नहीं होते थे कि दवाई का खुराक लेना पुड़िया लेना, तो दवाई मतलब यहाँ पे, तो चलिए अच्छी बात है, तो दवाई खुराक, खुराक के स्वरूप कौन कौन से रूप में होता है खुराक, तो ये देख सकते हैं आप लोग खुराक के रूपों का वर्गीकरण दीजिए। थोड़ा गूगल ट्रांसलेट उतना अच्छा से, मतलब एक तरह से रोबोट है तो थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा से ट्रांसलेट नहीं कर पाता, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा कर देता है। फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया को परिभाषित कीजिए, भारतीय फार्माकोपिया आईपी क्या है, ठीक अच्छी बात है। कंटेनर को परिभाषित कीजिए, कंटेनर के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम बताइए, लाइक कौन कौन से सामग्री कंटेनर में प्रयोग होती, अच्छी बात है यार, जिसको नहीं समझ में आएगा आप यहाँ से अच्छा से समझ सकते हैं। इस बाद यहाँ पे क्या इसका मतलब विभिन्न प्रकार, कुछ डिमेरिड मेरिड हम जो बात किए थे तो इसको दे दिया, इसको मतलब कि यहाँ पे हानि और लाभ देना चाहिए इसका, फिर जो भी है चलिए डिमेरिट डिमेरिट। फार्मेसी के आकार को क्या लिखा है, फार्मेसी में आकारों में कमी को महत्व दे, अच्छा हाँ साइज वाला यहाँ पे आकार, ठीक अच्छी बात है। ठीक हाँ थोड़े चक्की ऊर्जा बाल मिल, चलिए यहाँ पे जो यहाँ फ्रूड एनर्जी मिल वगैरह की बात आ रहा था, यहाँ पे आकार को प्रसाद जो पाउडर और ठोस वर्गीकरण चक्रवर्ती बाजें, तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे हिंदी में भी आपका जो है देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम और आगे बात करेंगे। आज के वीडियो में हम 6 चैप्टर तक बात के, जो आपका है इंट्रो मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म जो है ये, और यहाँ पे जो है फार्माकोपिया मेट्रोलॉजी तो हम नहीं ऐड किए हैं, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, इसके बाद साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन, तो ये जो है चैप्टर है। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे, इतना तब तक आप तैयार कीजिए, ये जो है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, सॉरी इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही दिए होंगे जहां तक उम्मीद है, बहुत से लोग नहीं करते हैं, हर वीडियो देखते हो आप लोग लाइक नहीं जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देखते हैं कि यहाँ पे 80% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, नहीं तो वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिए, थोड़ा हमें भी मतलब जोश जुनून ऊर्जा पैदा करने वाला कुछ काम कीजिए, ताकि जल्दी से 1,00,000 हो जाए तो थोड़ा सा हमें भी खुशी होगी। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।